एबीपी न्यूज में हम वो खबरें दिखा रहे हैं आपको जो जानना बहुत जरूरी है, और इस वक्त कोरोना काल में आपके लिए डॉक्टर्स की राय मशवरा बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इस कोरोना के संकट से, बीमारी से अपने आप को कैसे बचाना है। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आपको कब हॉस्पिटल जाना है, कब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना है, कब आपको दवाई खानी है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं। इसके अलावा हमारे साथ विक्रमजीत सिंह हैं, डॉक्टर हैं आकाश हेल्थ केयर में, और उसके अलावा हमारे साथ विकास मौर्य निदेशक हैं पल्मोनोलॉजी के फोर्टिस हॉस्पिटल में। सबसे पहले विकास मौर्य के पास चलते हैं। विकास मौर्य साहब, आपने सुना होगा कि आज अभी एक दो दिन पहले मशहूर टीवी एंकर रोहित सरदाना की मौत हुई, और उसके बाद एक बहस छिड़ गई है स्टेरॉइड के इस्तेमाल को लेकर। ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्टेरॉइड का इस्तेमाल बेहताशा कर रहे हैं मरीजों को ठीक करने के लिए, लेकिन किसे स्टेरॉइड देना है किसे नहीं देना है इसकी छानबीन होना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के स्टेरॉइड देना क्या ठीक है? देखिए, जैसे कि कहा जा रहा है जैसे कि स्टेरॉइड का काफी इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि देखो, इसमें जो कोरोना की बीमारी है इसमें सबसे पहले हम लोग एंटीवायरल दवाइयों का और उसके साथ सिम्टोमेटिक जो उनको प्रॉब्लम होती है उसका हम इलाज करते हैं। अगर उसके बाद मरीज को अगर लंग इन्वॉल्वमेंट होती है और उसके उसके साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तब हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में एंटीवायरल दवाइयाँ भी उनको दी जाती है। तो जैसे कहा जा रहा है कि हर 7 डे के बाद अगर आपको लंग इन्वॉल्वमेंट हो रही है या आपको लंग इन्वॉल्वमेंट उससे पहले भी दिख रही है तो उसके साथ आपने स्टेरॉइड का यूज़ करना है। तो वो हम पिछले साल से, वो जैसे कि पिछले साल से चल रहा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बट हाँ, जो जनरल पब्लिक है उनको अपने आप ये दवाइयाँ जो है नहीं लेनी चाहिए, उनको डॉक्टर के सुपरविजन में ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। डॉक्टर ही उन्हें बेहतर बता पाएगा कि कब आपको इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है और कब इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मेरा कहना यही रहेगा कि अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है, जैसे आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में हैं, उनकी राय अवश्य लीजिए, बिना उनके ये स्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल अपने आप नहीं करें। जी डॉक्टर विकास, एक बड़ी बात देखने को मिल रही है दिल्ली और बड़े शहरों में, तो जो प्रोटोकॉल इस कोरोना के इस म्यूटेंट वायरस के साथ बदला है, लोग उसका डॉक्टर्स लिख रहे हैं फेविफ्लू नाम की दवाई लिख रहे हैं या दूसरी एंटीवायरल दवाइयां लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में फेविफ्लू या एंटीवायरल दवाई की बजाय सीधे स्टेरॉइड लिख दी जा रही है मरीजों को। क्या इस तरह से एंटीवायरल दवाई के बिना स्टेरॉइड देना शुरुआती लक्षण के दौरान ये ठीक है, मरीज के स्वास्थ्य के लिए ये ठीक रहेगा? नहीं, देखिए, शुरुआत में अगर मरीज को खाली सिम्टम्स हैं जैसे बुखार है या फिर जस्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं तो मरीज को हम लोग स्टेरॉइड नहीं देते हैं, उस वक्त मरीज को स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जो मरीज को अपने आप नहीं लेनी, वो उनको कहते हैं डॉक्टर की देख रेख में ही लेनी है, और वो तभी लिया जाता है जब हमारे इसमें लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है और जो कि डॉक्टर ही डिटेक्ट कर पाएगा कि आपका आपके जो सिम्टम्स हैं वो लंग इन्वॉल्वमेंट को दिखा रहे हैं या आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या कभी कभार लोगों ने सीटी स्कैन कराया होता है या एक्सरे कराया होता है उसमें लंग के इन्वॉल्वमेंट के साइंस होते हैं, तभी स्टेरॉइड लिया जाता है। तो शुरुआत में इस पर स्टेरॉइड का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमेशा हम कह रहे हैं शुरू में जो होता है कि सिम्टम खाली हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स होते हैं तो हमें सिंपल एंटीवायरल और सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है उसी से इलाज हो जाता है। तो स्टेरॉइड को हमें शुरू शुरू में लेना तो अवॉइड करना चाहिए, और लेना भी है तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना है। जी डॉक्टर विक्रमजीत सिंह का रुख कर लेते हैं। विक्रमजीत सिंह, हमने देखा एक वीडियो है, वो एक डॉक्टर का वायरल है, हैदराबाद के एक डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर जबलपुर के हैं, और वो बता रहे हैं कि रेमडेसिविर की जगह आप स्टेरॉइड का इंजेक्शन लीजिए और ये इंजेक्शन 10 रुपये का आता है, बहुत सस्ता है, रेमडेसिविर बाज़ार में मुश्किल से मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है और ये सुरक्षित भी है। क्या हर मरीज को रेमडेसिविर की जगह वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जा सकता है? किस तरह के मरीज पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, हमारे पास बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं बहुत सारी स्टडीज़ के द्वारा, जहाँ पर ये बताया जाता है कि जो कोविड की बीमारी है इसका मेनस्टे ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो स्टेरॉइड्स हैं, और स्टेरॉइड्स की एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है जब आपको शुरू करना है, क्योंकि हमें कोविड को बढ़ने से रोकना है, तभी जाकर हम इस बीमारी से जीत हासिल कर सकते हैं। इनिशियल फेज में जैसा डॉक्टर मौर्य ने बताया, जब
सिम्टोमेटिक फेज होता है उस समय पे तो सिर्फ और सिर्फ आपके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि पैरासीटामोल ही काम करती है। अगर आप चाहें तो फेवरिपिरावर दे सकते हैं, हालांकि इसका भी कोई बहुत डेफिनेटिव एविडेंस हमारे पास नहीं है। और पिछले दिनों जैसे हमने अभी इस वेव में देखा कि हमारे पास रेमडेसिविर के इंजेक्शन की भी शॉर्टेज थी, और उन लोगों में जिनमें लंग का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है जब अर्ली पल्मोनरी स्टेज आ जाती है, हमें उस स्टेज पे स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आगे जाकर यही इंजेक्शन एक ऐसा है जो इस बीमारी को बढ़ने से रोकता है। अगर हमें रेमडेसिविर मिल जाती है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहता है, जब आप स्टेरॉइड और रेमडेसिविर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मैं डॉक्टर मौर्या की बात को बिल्कुल दोहराना चाहूंगा कि अर्ली स्टेजेस में स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है, आपको इसको सही समय पे जुडिशियसली देना है। एक स्पेसिफिक टाइमलाइन बनी हुई है कोविड की जहां पर इसका इंडिकेशन आता है, और अगर हम इसको वहां दे तो फायदा होता है। डेफिनेटली एविडेंस ये कहता है कि स्टेरॉइड इज अ यही एक ऐसी दवाई है जो कोविड को बढ़ने से रोकती है, मगर इसको देना एक स्पेसिफिक टाइमलाइन पे होता है और डॉक्टर की गाइडेंस पे देना होता है। बिल्कुल, तो डॉक्टर विक्रमजीत बता रहे हैं और डॉक्टर विकास मौर्य ने भी बताया कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल हर वक्त नहीं करना है, इसकी स्पेसिफिक टाइमलाइन है, प्रोटोकॉल है, तभी इस्तेमाल करना है। स्वाति महेश्वरी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर स्वाति, आप हाथ उठा रहे थे जिस वक्त मैं डॉक्टर विकास मौर्य विक्रमजीत से बात कर रहा था, क्या कहना चाहते थे आप? देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स जोड़ना चाहूंगी जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने बोला है। सबसे पहली बात है कि आज की तारीख में किसी भी डॉक्टर को इस तरह का वीडियो नहीं बनाना चाहिए जहां आप ये बात बोले कि ये दवा खाने से आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोरोना एक बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी है। अगर हम बात करें फेविपिरावर की, रेमडेसिविर की, स्टेरॉइड्स की, ब्लड थिनर्स की, तो ये भी इंडिकेशंस हैं। हर किसी पेशेंट में हम इन दवाइयों को नहीं दे सकते हैं। और स्टेरॉइड्स जो होती है वो दो धारी तलवार होती हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से शुगर बढ़ती है, और तमाम कई तरह के साइड इफेक्ट हैं जो स्टेरॉइड से होते हैं। इसलिए किसी को भी ये दवा अपने आप से बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, आपको डॉक्टर के संपर्क में आकर ही ये दवा खानी चाहिए, जिस तरह से हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी बोल रहे थे। और देखिए, डिपेंड करता है कि मरीज आपके पास किस स्टेज में आया है। कभी कभी हमारे पास मरीज उस स्टेज में आते हैं जब उनका निमोनिया काफी बढ़ चुका होता है, वो सीवियर केस बन चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें शुरुआत में ही यूज करनी पड़ती है कई सारी दवाइयाँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि अभी शुरुआत हुई है, लक्षणों की हल्का बुखार है, डायरिया है, या सर में दर्द है, या आपको कोल्ड जैसी हो रही है दिक्कतें, तो ऐसे में बिल्कुल भी किसी को भी अपने आप स्टेरॉइड्स नहीं शुरू करने चाहिए। ये घातक दवाइयां भी होती है, इसलिए डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि चार चीजें सबको करनी चाहिए अगर आपको शुरुआत में लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करिए ताकि आप अपने परिवार के बाकी लोगों को वो संक्रमण ना दें, ये मान के चलिए कि मुझे कोरोना ही हुआ है। दूसरी बात ये कि आप एक डॉक्टर से संपर्क करिए जो आपको गाइड करे कि क्या ट्रीटमेंट आपके लिए शुरू करना जरूरी है। तीसरी चीज, अपने आप का हाइड्रेशन अच्छा रखें, आप अच्छी मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लीजिए ताकि आपका हाइड्रेशन जो है वो अच्छा रहे। और चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप 6 मिनट वॉक टेस्ट करिए, अपने ऑक्सीजन लेवल को टेस्ट करिए, 6 मिनट चल के देखिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल गिरता है या नहीं गिरता, 94 के ऊपर रहता है। अगर ऊपर रहता है तो आपको घबराने की बात नहीं है, अगर कम आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि क्या क्या चीजें आप घर में कर सकते हैं और किन चीजों की आपको तैयारी रखने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में अगर बीमारी ज्यादा बढ़ती है या कोई दिक्कत होती है तो आप उनसे निपट सकें। तो अगर हम ये चार चीजें करें तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहेगा और हम आसानी से घर में ठीक हो सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत हमें अस्पताल की नहीं पड़ती है, और अगर आप डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं तो डॉक्टर आपको समय से आगाह कर देते हैं कि अब आपको हॉस्पिटल देखना शुरू कर देना चाहिए या आपको ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत बढ़ सकती है, तो आप उसकी तैयारी करिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। इस तरह के वीडियो किसी भी डॉक्टर को बनाने से बचना चाहिए। हमने ऐसा ही एक वीडियो से पहले भी उठाया था जिसमें एक डॉक्टर को हमने देखा कि वो नेबुलाइजर लगा के बता रहे थे लोगों को कि ऑक्सीजन, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो नेबुलाइजर लगा लीजिए, बिना दवा के उसका इस्तेमाल कीजिए, ये ऑक्सीजन देने का काम करेगा। बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, ये तरीका गलत है, इससे आपके ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो सकती। और आज आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी कि स्टेरॉइड के इस्तेमाल पर जो वीडियो है वो ठीक नहीं है, किस पेशेंट को इस्तेमाल करना है, किसको नहीं करना है, ये डॉक्टर तय करेंगे। सभी यूनिवर्सल पेशेंट्स पे ये लागू नहीं होता है, और मरीजों को अपने लिए तो खुद डॉक्टर बनना ही नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर विकास मौर्या जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विकास मौर्या, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप समय पर इलाज शुरू कर दें। अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि
जो RT-PCR की रिपोर्ट है वो काफ़ी देर से आ रही है, तो क्या ऐसी सूरत में जब आपको लक्षण दिख रहे हैं उस वक्त दवाई शुरू कर देना कोरोना मान के ये सुरक्षित होगा? देखिए, जिस तरह हम देख रहे हैं आजकल कोरोना काफी ज्यादा फैल चुका है, एक महामारी का रूप ले चुका है, और जो टेस्ट कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट भी लेट आ रही है। तो आई थिंक इसे बहुत महत्वपूर्ण है कि दवाई हम अर्ली शुरू करें, जैसे इसके लक्षण हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, बॉडी एक है, और नाक में जुकाम हो रहा है, गला खराब हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और या तो कई बार लोगों में डायरिया भी हो रहा है, और जो कि हम पिछली बार हमने कम देखा था, इस बार हम ज़्यादा देख रहे हैं। वैसे कोई भी लक्षण जो उनको लगता है, अपने आप को आइसोलेट कीजिए जैसे कहा गया, और अपने कहते हैं घर के अंदर एक कमरे में आइसोलेट करने के बाद अपनी दवाइयाँ वगैरह सिम्टोमेटिक इलाज शुरू करें, और डॉक्टर की सलाह इमीडिएटली लें, क्योंकि आपका जब टेस्ट होगा उसकी रिपोर्ट आने में भी आज तक 2-3 दिन लग रहा है, तो इससे पहले से ही इलाज अगर शुरू हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ आप सिम्टोमेटिक इलाज के साथ साथ जो डॉक्टरी सलाह लेंगे वो दवाइयाँ शुरू करें, जैसे कि कहा जा रहा है कि प्लेंटी ऑफ फूड्स जो तरल पदार्थ है वो अपनी अच्छी तरीके से लें, और अपने आप को कहते हैं स्टीम वगैरह लें, और कहते हैं गरारे वगैरह करें, और जो दवाइयाँ वगैरह लें, तो इससे आप काफ़ी हद तक आपको जब तक आपकी रिपोर्ट आएगी तब तक आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, और डॉक्टर के संपर्क में हमेशा जाएं और उनसे दवाई लेना शुरू करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड रिपोर्ट आजकल लेट आ रही है, तो दवाई हमें पहले से ही। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि लक्षण आते ही डॉक्टर से संपर्क करें, RT-PCR का वेट ना करें। RT-PCR रिपोर्ट कई बार 3-4 दिन, कहीं कहीं 5-6 दिन लग रहे हैं, ऐसी सूरत में अगर आप सिम्टोमेटिक इलाज शुरू कर देंगे डॉक्टर की मदद से, तो आप इस कोरोना की बीमारी को काफ़ी हद तक रिपोर्ट आने तक कंट्रोल कर लेंगे। और अपने आप को डिहाइड्रेट रखिए, पानी खूब पीते रहिए, वॉक करिए, वॉक करने से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल कहीं गिर तो नहीं रहा है। और बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के संपर्क में रहें, खुद डॉक्टर बिल्कुल ना बने। ABP News, आपको रखे आगे।